Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is Neelofa Khan, makeup artist from Hyderabad. And आज की वीडियो बहुत ही मजे की होने वाली है guys. I am really very excited. मैं क्योंकि मैंने new products purchase किए हैं. And आज की वीडियो में आप देखने वाले हो unboxing of new products. इन products को use करते हुए मैंने ये makeup look create किया है guys. And first of all, let me show you the products. Let me do the unboxing. उसके बाद आपको इस मेकअप लुक का कंप्लीट ट्यूटोरियल नेक्स्ट आप देख सकते हो इसी वीडियो में. सो दिस वीडियो इज गोना बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग. यू विल श्योरली एंजॉय इट. सो वॉच द वीडियो टिल एंड. इसी तरह के मजेदार मेकअप लुक्स देखने के लिए एंड कई सारे ब्रांडेड मेकअप प्रोडक्ट्स के रिव्यूज एंड स्वॉचेस एंड डेमोज देखने के लिए, मेकअप ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए गाइस. अभी सब्सक्राइब करिए एंड बेल बटन पे भी जरूर क्लिक करिए, क्योंकि आगे मैं ऐसे ही मजेदार मेकअप लुक्स के ट्यूटोरियल्स एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स, मेकअप प्रोडक्ट्स के भी मैं रिव्यूज डालने वाली हूँ, उनके स्वॉचेस डालने वाली हूँ एंड उनको यूज करते हुए मैं इसी तरह के मेकअप लुक्स क्रिएट करने वाली हूँ गाइस. सो टू एंजॉय दिस वीडियोज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल नाउ विच इज कम्प्लीटली फ्री. एंड मुझे 500 to 1000 सब्सक्राइबर्स रीच होने में मेरी हेल्प करिए. आई एम वर्किंग सो हार्ड फॉर माई यूट्यूब चैनल एंड फॉर यू पीपल. आज की वीडियो में जो भी प्रोडक्ट्स मैं अनबॉक्स कर रही हूँ एंड रिव्यू एंड स्वॉच कर रही हूँ, सारे प्रोडक्ट्स मैंने अपने ओन मनी से परचेज किए हैं एंड आई एम गिविंग यू कम्प्लीटली हॉनेस्ट रिव्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट्स गाइज. सो स्टे ट्यून एंड वॉच द वीडियो टिल एंड विदाउट स्किपिंग. टुडे आई एम गोइंग टू अनबॉक्स मेकअप प्रोडक्ट्स फ्रॉम माई ग्लैम. मैंने इस बार माई ग्लैम से शॉपिंग की है गाइज, कुछ मेकअप गुडीज जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आए थे वेबसाइट से. इंस्टाग्राम पे भी मैं फॉलो करती हूँ माई ग्लैम को, तो मैंने देखा उनकी प्रोडक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है. लेट मी टेल यू, इफ यू आर न्यू टू माई ग्लैम, ये मनीष मल्होत्रा का ब्रांड है, हु इज अ फैशन डिजाइनर ऑफ बॉलीवुड इन बॉलीवुड. ही इज अ वेरी फेमस सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर. सो मनीष मल्होत्रा का ये ब्रांड है. इसमें से मैंने नियरली 6 प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं गाइज. एंड माई ग्लैम लिट कलेक्शन का ये रहा फर्स्ट प्रोडक्ट. दिस इज माई ग्लैम लिट रेडियंट मैट कॉम्पैक्ट पाउडर इन शेड सर्विंग फेस एंड इट्स MRP इज 495 rupees. आपको वेबसाइट पे डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, यू कैन गो एंड चेक. एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट इज माई ग्लैम पोज HD ब्लश डुओ इन शेड कोरल पंच. इट्स MRP इज 699 rupees. आपको मिल रहा है 9 grams ऑफ प्रोडक्ट इन दिस. एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट है माई ग्लैम पोज HD ब्रॉन्जर डुओ विच इज इन शेड सिनेमन टेराकोटा एंड इवन दिस इट्स MRP इज 699 rupees गाइस. एंड इवन इसमें भी आपको 9 grams ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है. एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम माई ग्लैम लिट कलेक्शन इज क्रीमी मैट लिपस्टिक इन शेड मैनहट्टन एंड इट्स MRP इज 595 rupees. And you are getting 3.7 grams of product in this lipstick, guys. And next product from this collection is My Glam Lit Liquid Matte Lipstick in shade Cuffing. Shade number is 15. And its MRP is 395 rupees. And you are getting 3 ml of quantity in this. And last but not the least product is from the same collection, My Glam Lit Matte Eyeliner Pencil in shade Slay. And here we are getting 1.14 gram of product. इस वीडियो में ये मेकअप ट्यूटोरियल करते हुए मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स अनबॉक्स किए हैं, स्वॉच भी किए हैं और इनका रिव्यू भी दिया है गाइज. सो टू वॉच माई हॉनेस्ट रिव्यूज ऑन दिस प्रोडक्ट्स एंड टू वॉच माई फर्स्ट इम्प्रेशन अबाउट दिस प्रोडक्ट्स, वॉच द वीडियो टिल एंड. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जम्प इन टू आवर मेकअप ट्यूटोरियल. सो गाइज, मैंने अपना बेस मेकअप कंप्लीट कर लिया है एंड मैंने लूज पाउडर अप्लाई नहीं किया है. मींस मेरे बेस को मैंने सेट नहीं किया है यूजिंग एनी पाउडर, बिकॉज मैं माई ग्लैम का रेडियंट मैट लिट कॉम्पैक्ट पाउडर से मेरे बेस मेकअप को सेट करने वाली हूँ. इसकी पैकेजिंग देखिए कितनी ब्यूटीफुल है. इट्स रियली कॉम्पैक्ट इन साइज ऑल्सो एंड इट्स क्वान्टिटी इज 9 grams. इसका MRP है गाइज 495 rupees. 495 की MRP है. माई ग्लैम पे आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे अगर आप शॉपिंग करोगे वहाँ पे, मे बी 10% आपको डिस्काउंट मिल सकता है.
अगर आपके पास कोई कूपन कोड्स हो तो और भी डिस्काउंट आप ले सकते हो. सो दिस कॉम्पैक्ट शेड नेम इज सर्विंग फेस. सो लेट मी ओपन दिस. पैकेजिंग इज रियली वेरी गुड. वाओ, लुक एट द कॉम्पैक्ट. इट्स पैकेजिंग इज रियली वेरी स्टर्डी. यहाँ पे पीछे इसके मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, शेड नेम, एवरीथिंग मेंशन्ड है. ये लिट कलेक्शन का रेडियंट मैट कॉम्पैक्ट है. सो लेट मी ओपन दिस. हियर यू आर गेटिंग अ वेरी गुड क्वालिटी मिरर गाइस. बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिरर यहाँ पे मिल रहा है. एंड यू आर गेटिंग अ स्पंज एप्लीकेटर. इट इज रियली वेरी सॉफ्ट. एंड इस कॉम्पैक्ट में प्लास्टिक फिल्म भी आई थी जो अभी नीचे गिर चुकी है. सो दिस इज लाइटर इन शेड एज यू कैन सी. सो दिस विल सूट माई स्किन टोन, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया था. सो विथ अ पाउडर ब्रश, विद द हेल्प ऑफ अ पाउडर ब्रश, दिस इज बी एच कॉस्मेटिक्स पाउडर ब्रश, आई एम सेटिंग माई एंटायर मेकअप विद दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट आई विल डू इज, जिस तरह मैं बेकिंग करती हूँ अंडर आई एरिया में लूज ट्रांसलूसेंट लूज पाउडर से लेके मैं बेकिंग करती हूँ, उसी तरह मैं आज कॉम्पैक्ट पाउडर से ही बेकिंग प्रोसेस करूंगी. जैसे मेरे प्रीवियस वीडियोस में एक वीडियो है मेरी जिसका नाम है ड्यूई मेकअप लुक यूजिंग वेरी मिनिमल प्रोडक्ट्स, तो उसमें मैंने टिप्स दिए थे. बहुत सारे मेकअप ऐसे टिप्स दिए मैंने जो बहुत कम प्रोडक्ट्स यूज करते हुए आप एक बहुत ही अच्छा ग्लैमरस मेकअप लुक अचीव कर सकते हो. सो उसमें मैंने बताया कि कॉम्पैक्ट पाउडर से आप कैसे बेकिंग कर सकते हो. सो इन द सेम वे मैं आज इसी कॉम्पैक्ट पाउडर से फेस पे बेकिंग भी करूंगी एंड अपने एंटायर बेस मेकअप को सेट भी करूंगी. सो फॉर बेकिंग आई एम टेकिंग दिस वेज मेकअप वेज स्पंज एंड मैं कॉम्पैक्ट पाउडर को इस तरह से इस वेज पे लूंगी. एंड जस्ट वॉच योर गाइस, सी दिख रहा है ना आपको बेकिंग इफेक्ट. आप भी एनी एंगुलर जो स्पंज होते हैं और इस तरह के वेजेस जो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं उनके हेल्प से आप बेकिंग कर सकते हो. सी अंडर आई बेकिंग मैंने कर ली है. ओके, ये एक जो यहाँ पे डार्क सर्किल काइंड ऑफ और ग्रेइश कलर भी अगर दिख रहा है आफ्टर अप्लाइंग फाउंडेशन एंड कंसीलर को सेट करने के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करेगा बेकिंग इफेक्ट. यू कैन इफ अगर आपके पास कोई ट्रांसलूसेंट लूज पाउडर नहीं है, आप कोई एक्सपेंसिव पाउडर पे खर्च नहीं करना चाह रहे हो, देन यू कैन जस्ट बेक विथ योर रेगुलर कॉम्पैक्ट पाउडर. बट शर्त यह है कि उस कॉम्पैक्ट पाउडर का शेड लाइटर होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली जो पाउडर्स हम यूज करते हैं लाइक बनाना पाउडर और कोई भी पाउडर लेके जो बेकिंग हम करते हैं अपने फेस पे, सो उस टाइम पे वो पाउडर का शेड लाइटर होना चाहिए, राइट? और एल्स आपने जो फाउंडेशन अप्लाई किया है एग्जैक्टली उसी शेड का होना चाहिए, बट डार्कर नहीं होना चाहिए, ना मीडियम होना चाहिए ना डार्कर होना चाहिए. इट शुड बी वन शेड लाइटर देन योर एक्चुअल फाउंडेशन शेड विच यू हैव अप्लाइड. अदरवाइज इट शुड बी सेम एग्जैक्टली द शेड ऑफ योर फाउंडेशन यू हैव अप्लाइड. ठीक है, सेट माई एंटायर बेस मेकअप विद द सेम कॉम्पैक्ट पाउडर बी एच कॉस्मेटिक्स का ब्रश यूज करते हुए. इसी मिरर में मैं देखते हुए अपने मेकअप को सेट करूंगी गाइज. दिस इज अ मैट कॉम्पैक्ट एंड इट इज रियली वेरी लाइट. आई एम नॉट फीलिंग लाइक कोई प्रोडक्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ. एंड its shade is also nice, its texture is also nice, it's not settling into the skin pores or fine lines. मैंने जो बेकिंग की है उसको मैं अभी से डस्ट ऑफ कर देती हूँ विद द सेम पाउडर ब्रश. It's good. I'm liking it really. बहुत अच्छा है ये कॉम्पैक्ट पाउडर एक्चुअली. इसने बहुत अच्छे से मेकअप को सेट किया है एंड जैसे कि मैंने कहा ये लाइन्स में सेटल भी नहीं हो रहा है. इट्स गेटिंग ब्लेंडेड इन टू द स्किन वेरी वेल एंड इट्स वेरी लाइट ऑल्सो. इट्स गुड. लेट मी स्वॉच दिस शेड फॉर यू गाइज. इट इज अ लाइटर शेड एज यू कैन सी.
लाइट शेड है ये एंड इट इज रियली वेरी वेरी सॉफ्ट यू नो इट इज इजीली ब्लेंडेबल एंड इट इज रियली वेरी सैटिनी सॉफ्ट गाइस इट्स नॉट चंकी इट्स नॉट पाउडरी काइंड ऑफ टेक्सचर नहीं है बहुत ही स्मूथ लगा मुझे ये आप मेरी फिंगर पे भी हल्की सी शीन देख सकते हो इट इज दैट बटरी सॉफ्ट लाइटर स्किन टोन के लिए दिस शेड इज वेरी गुड आई थिंक इसमें 3 शेड्स अवेलेबल है सो लाइटर स्किन टोन पीपल गो फॉर दिस शेड इट्स नेम इज सर्विंग फेस जिसको एज यू कैन सी दिस इज लाइटर शेड आई थिंक 3 शेड्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट यू कैन गो एंड चेक एंड मैं इसी स्पंज एप्लीकेटर को भी यूज कर रही हूँ यू कैन अप्लाई पाउडर इवन विद दीज एप्लीकेटर्स ऑन योर फाउंडेशन बट यू हैव टू ब्लेंड इट वेरी वेल राइट नाउ मैं इसको अपने नेक पे अप्लाई कर रही हूँ यूजिंग दिस स्पंज इट इज ग्रैबिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट गाइस सो लाइट हैंड पे अप्लाई करिए वेन एवर यू आर अप्लाइंग ऑन योर फेस ताकि केकी लुक ना आए आपके फेस पे लाइक यू हैव अप्लाइड लॉट ऑफ पाउडर ऐसा नहीं दिखना चाहिए सो पाउडर ब्रश विल वर्क वेरी वेल फॉर इन दिस केस नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं माई ग्लैम लिट कलेक्शन से यूज करने वाली हूँ वो है मैट आईलाइनर पेंसिल दिस इज इन शेड दिस इज अ ब्लू कलर आईलाइनर पेंसिल गाइज एंड इसका शेड नेम है कहाँ पे मेंशन स्ले इसका शेड नेम स्ले है इसका MRP है 445 रुपीज एंड इवन दिस आपको वेबसाइट पे कुछ डिस्काउंट में मिल सकता है सो लेट मी शो दिस शेड फॉर यू ये मेरा बहुत ही फेवरेट ब्लू कलर है गाइज एज जस्ट हैव अ लुक इसकी पेंसिल पे जो कलर दिख रहा है ना रॉयल ब्लू काइंड ऑफ पेंसिल है ये लुक एट द शेड दिस इज माय फेवरेट ब्लू कलर इन रियल लाइफ सो आईलाइनर्स में भी ब्लू कलर में मुझे ये कलर का आईलाइनर बहुत ही पसंद आता है दैट्स व्हाई आई परचेज दिस टुडे आई एम गोइंग फॉर अ ब्लू लाइनर लुक सो मेरे मॉर्फी 35P पैलेट से मैं एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश पे लाइलैक काइंड ऑफ अ शेड लेकर अपनी क्रीज में ब्लेंड कर लूंगी एंड दैट्स इट एंड मैं ब्लू लाइनर विंग क्रिएट कर लूंगी गाइस और आई एम नॉट गोइंग मच फैंसी टुडे जस्ट एक ब्लू लाइनर लुक आई वांट टू क्रिएट टुडे Let me swatch this pencil here on my hand for you guys. It is very smooth, you know. It's not chunky, it's really very smooth. Have a look towards the shade, guys. Very pretty blue color. And it is a matte eyeliner. Let us see ye eyelid ke upar kis tarah se apply hota hai. इसका पिगमेंटेशन का भी पता चल जाएगा इन दैट केस बट इट्स ग्लाइडिंग रियली वेरी स्मूथली गाइस लेट मी टेल यू बट द थिंग इज जैसे हम कंसीलर को अप्लाई करके आई मेकअप करते हैं राइट सो आफ्टर अप्लाइंग कंसीलर यू शुड अप्लाई इट ट्वाइस और ट्राइस टू गेट दैट एक्चुअल पिगमेंटेशन ऑफ दिस पेंसिल बहुत ही वाइब्रेंट ब्लू शेड है गाइस एंड आई एम लविंग दिस शेड एंड बहुत ही स्मूथली ग्लाइड हो रही थी ये आईलाइनर पेंसिल टू मेक दिस लुक मोर ड्रामेटिक मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे वाइट आईलाइनर पेंसिल अप्लाई करने वाली हूँ विच इज नेक्स्ट जम्बो आई पेंसिल इन शेड मिल्क लाइट 604 दिस इज द मिल्की वाइट आईलाइनर पेंसिल गाइस मैं इसको बहुत ही लाइट हैंडेड अप्लाई कर रही हूँ नॉट टू डार्क Now this is adding that electrifying effect to this blue liner, right? Now I'll apply mascara and I'll be right back.
My eye makeup has been completed, guys. So let's move on to our face makeup. And next product I'm using here by MyGlam is MyGlam Pose HD Bronzer Duo. This is a bronzing powder, and I think it's ka shade name hai 001 Cinnamon and Terracotta. It is having two shades. Iska quantity hai 9 grams, guys. And iska MRP hai 699 rupees. So iski packaging bahut hi beautiful hai, as you can see. Colorful packaging hai iski. Let me open this. Wow. Just look at it. कितनी सेफली पैक किया गया है ना. दिस इज़ अ थर्मोकोल काइंड ऑफ अ थिंग जो इसके साथ इसकी सेफ्टी के लिए इसमें दिया गया है. दिस इज़ द प्रोडक्ट गाइज, एंड आई थिंक दिस इज़ अ पेपर काइंड ऑफ अ मटेरियल, बिकॉज ये कोई प्लास्टिक केस नहीं है. पैकेजिंग इज रियली वेरी अट्रैक्टिव एंड इट इज़ रियली वेरी स्टर्डी. तो इसकी पैकेजिंग ऐसी है जैसे जो आपको कैफे शॉप्स में जो डिस्पोजल ग्लासेस होते हैं ना, जो टफ होते हैं बट दे आर पेपर काइंड ऑफ अ मटेरियल, उस तरह का मटेरियल लग रहा है ये मुझे. आई थिंक दिस इज़ अ एनवायरमेंटल फ्रेंडली पैकेजिंग. सो ये इस तरह से ओपन होता है, एंड दिस इज़ द ब्रॉन्जर गाइस. सी, इस तरह से प्रोटेक्टिव फिल्म मिल रही है इसमें, एंड लुक एट द शेड्स. It's really very pretty bronzer. हाँ, this is a matte bronzer. As you can see, कोई shimmery shine नहीं है इसमें. So I will swatch those shades आपको, I hope के visible है इसमें. So I will swatch the two shades for you guys. This one. Wow, it's really very buttery soft, guys. बहुत ही बटरी सॉफ्ट है ये, एंड यू कैन लुक एट द शीन. इट इज अ सैटिनी सॉफ्ट पाउडर गाइज, एंड लेट मी स्वॉच इट हियर. दिस इज द शेड ऑफ द ब्रॉन्जर, एंड लेट मी स्वॉच अनदर शेड. दिस वन. वाओ, let me swatch this shade beside this. Wow, look at the two shades, guys. Very very beautiful, pretty bronzer shades, right? And they are really very buttery soft. First impression mera ye hai ki isko touch karte hi bahut hi soft, buttery soft feeling aa rahi hai powder mein. And this is a powder bronzer, and this is not a shimmery bronzer. This is a matte kind of a bronzer, but it is having satiny kind of a texture which is really very soft, and the quality is really very good, guys. Pigmentation bhi aapne dekh li, bahut achhi pigmentation hai. And mazay ki baat ye lagi mujhe isme jo MyGlam Pose ke jo duo bronzer hai, duo blush hai, to usme do shades aapko mil rahe hai ek pack mein, which is a great thing. Ek aapko means mostly hota hai na ki hum ek blush purchase kar lete to उसको रेगुलरली यूज़ करके फिर बोर होते हैं, फिर दूसरे शेड की ज़रूरत पड़ती है, थर्ड एंड फोर्थ शेड. वी लव वेराइटी, राइट, वेराइटी इन शेड्स. तो आपके पास एक ही ब्लश में दो डिफरेंट शेड्स आ जाएंगे. ये तो ब्रॉन्जर है, एंड ब्लश में भी इन्होंने सेम टेक्निक इस यूज़ की है कि एक ही पैक में आपको दो शेड्स मिल रहे हैं. सो दिस इज़ द ब्रॉन्जर. लेट मी ब्रॉन्ज माई फेस हियर. आई एम टेकिंग BH Cosmetics स्कल्पिंग ब्रश. ये BH Cosmetics क्रिस्टल क्वार्ट्ज ब्रश सेट में से है. सो आई वुड लव टू गो विथ दिस शेड गाइस, विच इज दिस वन. इट इज क्वाइट डार्कर, इट इज हैविंग क्वाइट फॉल आउट गाइज, इट इज हैविंग क्वाइट किक आउट. आपको ब्लश इसमें इसके केस में दिख रहा होगा यहाँ पे कि थोड़ा सा फॉल आउट हुआ है, थोड़ा सा पाउडर नीचे गिर रहा है. सो इट्स, देखिए सिर्फ ब्रश को टच करने से इसमें कितना फॉल आउट हो रहा है. ओके, सो आई विल डस्ट ऑफ द एक्सेस. वाओ, इंटरेस्टिंग, राइट, कितना प्यारा शेड है. आई एम लविंग द शेड. लुक एट द ब्रॉन्जिंग एफेक्ट. वाओ, इट्स जस्ट वाओ. आई मीन just look at the bronzing effect, guys. Look at the shade. Wow, I'm just loving this.
it's really giving very natural kind of sculpted look, guys. See? Wow. So here's the look after applying the bronzer, guys. Just look at the sculpted look. It is on point and it has given really very natural sculpted look. I mean ke mujhe aisa nahi dikh raha hai ki maine koi particular shade apply kiya hai ya maine usko darker apply kiya hai. Maine usko bahut hi light handed apply kiya tha and little product is really very pigmented. बहुत ही पिगमेंटेड है, बहुत ही आई एम जस्ट लविंग द प्रोडक्ट गाइज. नेक्स्ट इज सेम माई ग्लैम पोज एच डी मेकअप का ये ब्लश डुओ है. इसका भी MRP है 699 rupees एंड पैकेजिंग सेम है, सेम पैकेजिंग है गाइज दोनों की. ये भी 9 grams का इसमें प्रोडक्ट मिलता है आपको. इसमें भी आपको दो शेड्स मिलते हैं ब्लश के. सी थर्माकोल काइंड ऑफ थिंग इसके अंदर दी गई है फॉर इट्स सेफ्टी विच इज अ ग्रेट थिंग, क्योंकि ये ब्लश एंड ब्रॉन्जर्स डैमेज हो सकते हैं व्हेन यू आर कैरिंग देम और ट्रैवलिंग विद देम. सो सेम पैकेजिंग है. लेट मी टेल यू गाइज, दिस इज माई फेवरेट ब्लश टिल डेट, बिकॉज ये वाला कोरल शेड एंड ये वाला मॉव शेड दोनों शेड्स मेरे फेवरेट है व्हेन इट्स अबाउट ब्लशेज. सो इसका नाम है कोरल पंच. कोरल पंच ये शेड का नाम है, ये वाले ब्लश शेड्स का नाम है कोरल पंच. 001 इज द नंबर ऑफ दिस ब्लश. एंड ये कोरल एंड मॉव शेड अभी ट्रेंड में है, राइट? ये दोनों शेड्स ब्लशेज में दे आर इन ट्रेंड. पिंक शेड्स से ज्यादा अभी कोरल एंड मॉव शेड्स मेकअप में बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, राइट? So these shades are really in trend and let me swatch them for you. Wow, they are really very buttery soft. Look at the pretty pretty shade, guys. I mean, बहुत ही pretty shade है ये. Coral shade में बहुत ही ज़्यादा pretty है. It's not like completely orangey shade. It's really very pretty. I'm loving this shade. I can't wait to apply it on my cheeks. Let me swatch this here. Wow, it's a very very soft beautiful coral shade, guys. And let me swatch this mauve pink kind of shade. Kitna buttery soft hai, you know, my finger is gliding so smoothly. Iska compact, iska bronzer, iska blush, तीनों भी बहुत ही ज्यादा बटरी सॉफ्ट टेक्सचर है गाइज इनका. दे आर नॉट पाउडरी, दे आर नॉट चंकी एंड पिगमेंटेशन इज ऑन पॉइंट. लेट मी वॉच दिस हियर. ओके, दिस इज द शेड ऑफ अनदर ब्लश. इवन दिस इज अ प्रिटी मॉव पिंक शेड, नॉट कंप्लीटली पिंक, कंप्लीटली ब्राइट पिंक नहीं है ये. दिस इज अ mauve kind of a pink, nude pink kind of shade hai guys. So love to go with this coral shade. And मज़े की बात ये है, ये जो bronzer duo है and ये जो blush duo है, दोनों भी आप दोनों shades mix करके भी use कर सकते हो. Otherwise you can use any one shade. So it's completely upon you. You are having choices. आपको totally 3 choices मिल रहे हैं एक product में. आप चाहो तो ये सिंगल ब्लश यूज कर सकते हो, आप ये वाला शेड एज अ सिंगल ब्लश यूज कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन जस्ट मिक्स बोथ ऑफ देम, लाइक दोनों को ब्रश पे ले लिया एंड यू आर जस्ट ब्लेंडिंग एंड दोनों शेड्स का कॉम्बिनेशन थर्ड शेड मिल जाएगा आपको. सो आई विल गो विद दिस कोरल शेड. आई होप इवन दिस विल हैव फॉलोड. बाय द वे दिस इज BH कॉस्मेटिक्स का ब्लश ब्रश. सो मैं बहुत ही लाइट हैंडेड ले रही हूँ गाइज, बिकॉज दिस इज अ कोरल शेड. मैंने जस्ट कितना लाइट हैंडेड प्रोडक्ट लिया था, बहुत ही कम प्रोडक्ट लिया था मैंने ब्रश पे. एंड यू कैन सी I'm just loving these products, guys. These My Glam makeup products have impressed me a lot. These are my current favorite
Wow. Such a pretty coral blush it is. Exactly ये coral shade जो अभी trend में है, मुझे ये चाहिए था. And finally I got it. Such a natural blush look it is giving. Wow. Let me apply this on my थोड़ा सा मेरे nose पे, थोड़ा सा center of the forehead to add that natural blush effect. And next product from this My Glam Lit collection I'm using is Creamy Matte Lipstick in shade Manhattan, and its MRP is 595 rupees, guys. And you're getting 3.7 grams of product in this. Packaging is really very good. Let me unbox this. बहुत ही क्लासी स्टर्डी इसकी पैकेजिंग है. यहाँ पे माई ग्लैम का लोगो दिख रहा है आपको. दिस इज द लिपस्टिक गाइस, हैव अ लुक. मैंने लिप लाइनर ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है. वाह, आई एम जस्ट लविंग दिस शेड गाइस. मुझे न्यूड पिंक्स, न्यूड ब्राउन्स एंड मॉव शेड्स मुझे बहुत पसंद आते हैं. पिंक शेड्स भी मुझे बहुत पसंद है. लेट मी स्वॉच दिस लिपस्टिक. आपने तो शेड यहाँ देख लिया है, बट लेट मी स्वॉच दिस शेड. सी, यू नो आई फील लाइक इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कोरल एंड मॉव पिंक. यू नो ये एग्जैक्टली कोरल शेड भी नहीं है, एग्जैक्टली पिंक भी नहीं है, एंड इट इज नॉट कम्प्लीटली मॉव शेड. इट इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोरल एंड अ मॉव पिंक. सो आई एम जस्ट लविंग द शेड. यू नो इट्स सो यूनिक एंड इट्स गोइंग रियली वेरी वेल विद दिस आई लुक. एंड मैंने अभी जैसे इसको अप्लाई किया ना गाइस, इट इज रियली वेरी क्रीमी सॉफ्ट. एंड इसमें वेनिला का फ्रेग्रेंस दिया गया है विच इज वेरी माइल्ड एंड जेंटल. दिस लिपस्टिक इज रियली वेरी मॉइस्चराइजिंग. मैंने जैसे ही इसको अप्लाई किया, इट वॉज ग्लाइडिंग सो स्मूथली. इट इज नॉट चंकी. माई लिप्स हैव बीन मॉइस्चराइज विद दिस लिपस्टिक रियली वेरी वेल. आई एम लविंग दिस शेड. सो दिस इज द कंप्लीटेड लुक गाइज. एंड गाइज, मैंने अनदर लिपस्टिक भी परचेज की है फ्रॉम द सेम माई ग्लैम लिट कलेक्शन. दिस इज लिक्विड मैट लिपस्टिक इन शेड कफिंग, एंड इट्स MRP इज 395 रुपीज. इवन ये शेड डार्कर शेड है गाइज. दिस इज अ लिक्विड मैट लिपस्टिक. यू कैन सी द पैकेजिंग विच इज रियली वेरी अट्रैक्टिव. एंड इसका शेड जस्ट हैव अ लुक, कितना डार्क पिंक शेड है, राइट. Actually, it is a combination of purple and pink. It's not exactly pink. Let me swatch this shade for you guys. मैं इसको अपने कोई next tutorial में use करूँगी ज़रूर. I have used this once in a wedding recently. तो मुझे इतने अच्छे compliments मिले ये shade से, and it was looking really very ब्यूटिफुल. और इस तरह का पर्पलिश पिंक डार्क शेड, इतना डार्क शेड मैंने कभी यूज नहीं किया था गाइज. सो हैव अ लुक टूवर्ड्स इट्स एप्लीकेटर. सो आई विल स्वॉच दिस शेड हियर फॉर यू गाइज. ओह माय गॉड, कितना बुरा स्वॉच हो रहा है. आई एम सॉरी गाइज. मैं इसको इस तरह से स्वॉच करके, इट्स टेक्सचर इज क्रीमी. यू नो ये स्टार्टिंग में क्रीमी फील होता है, लेटर इट गेट्स ड्राई टू मैट लिपस्टिक. सो दिस इज द स्वॉच. कितना ह्यूज स्वॉच हो गया ना. एक्चुअली इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू अप्लाई लाइक दिस विद द एप्लीकेटर.
So this is the shade cuffing. This was about today's video, guys. I hope you have liked my reviews regarding these products, and I hope you have liked my unboxing video swatches of these My Glam makeup products, and I hope you are loving this colorful eye makeup look. ये eye makeup look college girls जो होती है teenagers, वो किसी college की event पे or else whenever just they are hanging out, then they can carry this kind of a colorful eyeliner makeup look. I hope you have loved and enjoyed this makeup tutorial, guys. Do comment me below के next आप किस तरह के makeup tutorials देखना चाह रहे हो, and if you need any tips from my side. कोई मेकअप टिप्स आपको चाहिए, कोई प्रोडक्ट आप परचेस करना चाह रहे हो बट इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड आपको वो लेना चाहिए या नहीं, उसके बारे में आपको अगर रिव्यू चाहिए, भले ही वो प्रोडक्ट मेरे पास ना हो, आई एम श्योर कि मैं आपको 100% हॉनेस्ट रिव्यू दे सकूंगी. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगेन लेट मी टेल यू कि इस वीडियो में कोई पेड प्रमोशन नहीं है किसी ब्रांड का, ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने अपने ओन मनी से परचेज किए हैं. सो डू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल नाउ, बिकॉज इसी तरह के मजे के डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मेकअप लुक्स के ट्यूटोरियल्स भी मैं और भी लाने वाली हूँ, एंड और भी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज एंड स्वॉचेस, स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी मैं रिव्यू करने वाली हूँ. मैंने माई ग्लैम से कुछ स्किन केयर एंड हेयर केयर के भी प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं गाइज, सो श्योरली आई विल रिव्यू देम आफ्टर यूजिंग देम फॉर अ वाइल, बिकॉज दे आर स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स, सो आई कॉन्ट रिव्यू देम इंस्टेंटली आफ्टर परचेजिंग. मुझे उनको कुछ दिन यूज करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे रिजल्ट देख के मैं रिव्यू कर सकती हूँ. तो टू गेट द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माई फ्यूचर कमिंग अपकमिंग वीडियोज, नोटिफिकेशन बेल बटन पे जरूर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले, वरना आप ऐसे मजेदार वीडियोस मिस करने वाले हो. एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @knilofarkhn99 विच इज nilofakhan99, एंड के इज साइलेंट, जैसे मैं बार बार बताती हूँ कि मैंने जस्ट अपना स्टाइल है जो मैंने के ऐड कर दिया, नीलो फॉर माई नेम स्टार्ट्स विथ एन ऑब्वियसली. सो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिए, वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स मैं अपनी स्टोरीज पे पोस्ट करती हूँ, एंड रिगार्डिंग माई फैमिली, रिगार्डिंग माई इवेंट्स, एवरीथिंग मैं वहाँ पे पोस्ट करती हूँ. माई लाइफ स्टाइल एवरीथिंग मैं वहाँ पे इंस्टाग्राम पे अपडेट करती रहती हूँ. सो टू गेट रेगुलर अपडेट्स फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर श्योर, एंड इंस्टाग्राम का प्रोफाइल नेम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, एंड ये सारे प्रोडक्ट्स के नेम्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगी, एंड आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी वेबसाइट लिंक हियर. टू परचेज दिस प्रोडक्ट्स यू कैन गो टू माई ग्लैम वेबसाइट, एज यू ऑल नो माई ग्लैम का वेबसाइट है, वहां से डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हो, और एल्स यू कैन परचेज देम फ्रॉम नायका वेबसाइट ऑल्सो. मजे की बात यह है, माई ग्लैम से जब भी हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं आपको एक स्क्रैच कूपन मिलता है, जिसको स्क्रैच करने पे आपको एक डिस्काउंट कूपन कोड भी मिलता है, नेक्स्ट शॉपिंग में आपको उस कूपन कोड को यूज करके डिस्काउंट मिलेगा. सो एंजॉय योर शॉपिंग, एंड अगर आपने इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हो, और एल्स मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो. इस तरह के मेकअप लुक्स आप चाह रहे हो जो मैं क्रिएट करके अपलोड करूं, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू गेट इन कॉन्टेक्ट विथ मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड डू सपोर्ट मी, डू सब्सक्राइब मी, एंड डू लाइक माई वीडियोज. थैंक यू, सी या, बाय.